डिफेंस फेज वन में गाड़ी को हादसा, क्रिकेटर मोहम्मद आसिफ फैमिली समेत जख्मी हो गए। हादसे में क्रिकेटर मोहम्मद आसिफ, उनकी अहलिया और दो बच्चियां जख्मी हुई हैं। नेशनल अस्पताल में इब्तदाई तिब्बी इमदाद के बाद सर्विसेज अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। एनी शाहिदीन के मुताबिक हादसा तेज रफ्तार कार से बचने की सूरत में पेश आया। इस हवाले से मजीद तफसीलात जानेंगे, नुमाइंदा लाहौर न्यूज मुदस्सिर नवाब हमारे साथ मौजूद हैं। जी मुदस्सिर, आगाह कीजिएगा। जी हाँ बिल्कुल ज़ौक, ये तकरीबन गुज़िश्ता कई रोज़ से जो है हफ्ता की रात और इतवार की रात जो है डिफेंस के इलाक़े में और दिगर पोश इलाकों में जो है तेज़ मंचले जो हैं वो तेज़ रफ्तार कारें जो हैं रेसें लगाते हैं वहाँ पर, तेज़ रफ्तार कारें भी चलाते हैं, जबकि वहाँ पर जो है गुज़िश्ता दो रोज़ कबल भी जो इसी तरह जो है एक घंटे के दौरान तेज़ रफ्तार कारों की वजह से जो दो एक्सीडेंट हुए थे, जिसके बाद जो है तीन अफराद जख्मी हुए थे, जबकि आज रात भी इसी तरह का एक वाक़िया रूनमा हुआ है कि तेज़ रफ्तार कार जो है वहाँ पर ड्रिफ्टिंग कर रही थी और इससे बचने के दौरान जो है जो गाड़ी जो खास तौर पर जो बच रही थी उसमें जो सवार थे क्रिकेटर मोहम्मद आसिफ उसकी उनकी अहलिया और दो बच्चियां जो थी वो उससे बचते हुए जो उनकी गाड़ी जो है फौरी तौर पर उल्ट गई और उल्टने के बाद जो है वो काफी ज्यादा उल्टियां उल्टबाजियां लेती रही, जिसके बाद जो है उसके अंदर जो मौजूद कार सवार थे जिसमें क्रिकेटर मोहम्मद आसिफ था, उनकी अहलिया थी और दो बच्चियां भी थी, वो शदीद जख्मी हो गए, जबकि तेज रफ्तार जो कार सवार थे वो मौका से फौरी तौर पर फरार हो गए, जिसके बाद जो है एनी शाहिदीन की जानिब से और वहां पर मौजूद लोगों की जानिब से इन तीनों चारों अफराद को जो है कार से निकाल कर जो है तिबी इमदाद के लिए नेशनल हॉस्पिटल जो कि डिफेंस में मौजूद था वहां पर मुंतकिल किया गया, लेकिन वहां पर जो इन्हें इब्तदाई तिबी इमदाद तो दी गई लेकिन रात के औकात में सिटी स्कैन की सहूलत मौजूद ना होने की वजह से उन्हें अब जो है सर्विसेज हॉस्पिटल के अंदर मुंतकिल कर दिया गया है। मैं इस वक्त सर्विसेज हॉस्पिटल के बाहर मौजूद हूँ जहाँ पर जो है क्रिकेटर मोहम्मद आसिफ, उनकी अहलिया और दो बच्चियाँ का जो है ट्रीटमेंट जारी है और इस हवाले से उनकी जो हालत है वो अब तश्वीशनाक हालत खतरे से बाहर है, जबकि उनका सिटी स्कैन के हवाले से अभी थोड़ी देर बाद उनका सिटी स्कैन भी यहां पर मुकम्मल किया जाएगा, जबकि हमारे साथ इस वक्त एनी शाहिद भी मौजूद हैं जिन्होंने ये हादसा देखा है। हम उनसे भी मजीद जानते हैं कि आया ये हादसा किस तरह पेश आया और आपने क्या देखा है कि वो कार जो तेज रफ्तार कार वाले थे उनको पुलिस की जानिब से गिरफ्तार किया गया? नहीं, वो गाड़ी उसी तरफ गाड़ी आई है तो एकदम ही निकल गया, तो ये उनको बचाते बचाते अपनी गाड़ी को उल्टा बैठे, उसकी वजह से इनको चोटें आई, उसकी वजह उसी टाइम रेस्क्यू जल्दी आ गई तो निजी हॉस्पिटल किसी में ले गए, तो उसके बाद फिर इस हॉस्पिटल में लेके आए ताकि उनको तिब्बी इमदाद जल्दी से फॉर्म की जाए। अच्छा, ये बताए पुलिस कितनी देर में वहाँ पे पहुंची है और उनकी जानिब से कोई कार्रवाई अमल में लाई गई थी? पुलिस काफी देर बाद पहुंची है, अब देखा तो नहीं था क्योंकि पुलिस काफी देर बाद आई है, तो फिर तब तक तो ये इधर ले आए तो हम उसी के पीछे पीछे आ गए क्योंकि मोहम्मद आसिफ एक क्रिकेटर है, एक पाकिस्तान का एक नाम है, ब्रांड है, तो उसी के लिए इमदाद के लिए। हाँ जी, हाँ बिल्कुल जी, जैसे कि बिल्कुल ये जो एनी शाहिद थे उनका भी यही कहना था कि तेज़ रफ्तार कार जो है वो सामने से आ रही थी और इस दौरान जो है वो उनसे बचते हुए जो मोहम्मद आसिफ तो जो क्रिकेटर थे ड्राइव कर रहे थे उनकी गाड़ी जो है वो उल्ट गई और उल्टने के बाद जो काफ़ी ज़्यादा उनकी उल्टबाजियाँ लगी गाड़ी के, जिसके दौरान जो अंदर वो मौजूद थे और शदीद जख्मी हो गए, जिसके बाद फौरी तौर पर हम वहाँ पर पहुँचे और उनको जो है फौरी तौर पर जो करीबी हॉस्पिटल था नेशनल हॉस्पिटल वहाँ पर मुंतकिल किया गया, जहाँ पर जो रात के औकात में सिटी स्कैन की सहूलत ना मौजूद होने की वजह से उन्हें सर्विसेज हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया, जबकि इस हवाले से पुलिस की जो नफरी थी वहां पर वो मौका पर बहुत देर बाद पहुंची जहां से उन्होंने जो शवाहद वगैरह भी इकट्ठे किए, लेकिन जो है ताहाल जो तेज रफ्तार कार थी आ रही थी जो सामने से आ रही थी उसके जो ड्राइवर थे उनको अभी तक जो है गिरफ्तार नहीं किया जा सकता।